तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सारे मजे कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग किस बारे में? तो भाई, मेरा जैसे 1000 कंप्लीट हो गया था, 1K कंप्लीट, तो मेरा ये मतलब इच्छा थी दिल से कि यार वैष्णो देवी जाएं। तो प्लान बना भी था पर वो फिर कैंसिल हो गया था। तो आज हिम्मत कर ली कि भाई अब तो जाना है तो जाना है। तो आज का व्लॉग है वैष्णो देवी का, एंड बाइक पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वैष्णो देवी भी मैं पहली बार बाइक पे जा रहा हूँ, तो अभी देखते कैसा बनता है यार। आई होप माता रानी की कृपा से आपका साथ भी ऐसा बना रहे, एंड जो ये जर्नी है एकदम फर्स्ट क्लास मस्त निकले। तो अब मैं तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, तो अभी टाइम है, 5 बज रहे हैं। ठीक है, तो मैं तब तक तैयार हो जाता है, एंड देखते हैं आगे क्या होता है, कैसी रहती है आज की जर्नी। ये रही मेरी कुछ तैयारी, मैं साथ में एक चप्पल लेके जा रहा हूँ, एंड स्वेटर लेके जा रहा हूँ, शायद ठंड होगी शाम को, एंड बैग। और बैग में क्या, मैंने 2 मास्क रखे हैं, 2 हैंकी रखे हैं, चार्जर डालूंगा इसमें। एंड मुझे पसंद है यार, जब मैं जर्नी पर जाऊँ मुझे बैग लेना पसंद है। भाई अब हो चुके हैं हम तैयार और अब हम निकल रहे हैं, हेलमेट वगैरह सारा, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, घर से। भाई बाइक का पोल्यूशन हो गया था खत्म, जिसका सुबह चालान भी, और अब हम आए हैं पोल्यूशन कराने। तो यहाँ पे तो इसके साथ भाई पोल्यूशन करा दिया भैया जब ने तो भाई अभी हमने तेल भी डलवा दिया है, एंड हवा भी भर दी है, कोई था नहीं, खुद ही भर दिया है। अब निकलते हैं आराम से यार, ऑयलिंग भी करवा दी थी यार पीछे हमने। तो भाई मैंने अपनी स्लिप कटवा दिया यात्री वाली, और मैंने जो अपनी स्लिप कटवाई है मैंने काउंटर नंबर 2 से कटवाई है। बाकी रास्ते की विजुअल्स नहीं दिखा पाया बिकॉज अंधेरा हो गया था निकलते निकलते, तो क्या ही दिखाता है। तो मैंने सोचा पहले वहाँ पहुँच जाऊँ फिर देखते हैं। तो भाई हमने अपना पैदल सफ़र शुरू कर दिया, बाकी इस रास्ते से तो आई डोंट नो, मैं कभी पहले भी आया हूँ, तो देखते हैं यार कैसा है। मुझे सही भी नहीं है रास्ता कि कहाँ से निकलेगा क्या होगा। भाई मुझे तो लगा था कि वहाँ के लिए सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, और यहाँ पे तो हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, तो चलो देखते हैं सही भी जा रहे हैं कि नहीं। तो भाई अभी मुझे भी नहीं पता हम कहाँ पहुँचे हैं, पर बस चले जा रहे हैं, और जिस रास्ते से मैं आया वो तो मुझे पता भी नहीं है कहाँ से आए हैं, जस्ट निकल रहा हूँ। तो भाई आखिरकार हमें ये दिख गया, सो मीन्स हम सही रास्ते पे थे। तो अब यहाँ से हमारी जो यात्रा है वो शुरू होती है, और मैं आपको दिखाता हूँ आगे का रास्ता कैसा है, क्या होता है, मतलब सब कुछ, मतलब मजा आने वाला आज आपको। तो भाई जो आपने यात्री स्लिप्स कटवाई है वो यहाँ पे चेक होंगी, जो पहला चेक पोस्ट समझ लो वो यही है जहाँ पे आपकी स्लिप्स चेक होंगी। तो भाई जैसे ही आप अपनी यात्री स्लिप चेक करवाएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा कि मतलब लोग ऊपर जा रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से वापस आ रहे होंगे, एंड यही घोड़े वाले जो वहाँ पे होंगे, तो कुछ ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आप अपनी जो स्लिप्स हैं वो चेक करवाएंगे एंड एंटर करेंगे। तो भाई चाहे मार्केट वाला एरिया समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो कुछ ऐसा है दिखने में यहाँ पर मार्केट वाला एरिया। भाई खराब तुम्हारा समोसे, ठीक है, क्योंकि भाई यह भूखा शेर तो मास्क पर हमने उतारा नहीं, देखते हैं यार खाया कैसा। वैसे यहाँ पे तो सारी शॉप्स एक जैसी, तो कोई ये नहीं बोलूँगा कि यार यहाँ पे जाके खाना, सब एक जैसे, जहाँ मर्जी जाके खा लो। ये रहे हमारे समोसे भाई, कुछ खा के अभी हम फिर से पैदल शुरू हो चुके हैं। एंड बाकी यार मतलब यहाँ से लेके पूरे भवन तक आपको लाइट ही लाइट मिलेंगे। अभी हम पाथिंग घाट पहुँच चुके हैं, तो नीचे ही है, अभी ज़्यादा चले भी नहीं हम, बट ठीक है यार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा पूरे ऊपर तक आपको। तो भाई ये रहा चरण पादुका वाला मंदिर, तो अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, हम ऊपर ही जाएंगे फिलहाल। तो भाई मौसम ना थोड़ा ठंडा हो गया है, एंड आप देख सकते हैं हवा भी चल रही है, बाल भी उड़ रहे हैं मेरे, तो देखते हैं यार बारिश नहीं लगनी चाहिए, बाकी ठीक है मौसम तो ठीक है यार।
पता नहीं आपको पढ़ा जा रहा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है घोड़ों का रास्ता, बट देख सकते हो यार यहाँ से कौन चल रहे हैं। एंड मुझे लगता है शायद इस चीज़ को पढ़ के जो भी ये घोड़े होंगे दे विल बी लाइक ये हमारा रास्ता साइड हो जाओ, हम यहाँ से जाएंगे ये। भाई ये सही में यहाँ पे जोश में आ गए थे, पता नहीं पढ़ा था इनको समझ आया कि नहीं, बट ये सही में जोश में आ गए थे। तो भाई यहाँ से हम सीढ़ियाँ लेते हुए, मतलब सीढ़ियाँ शॉर्टकट है बट यार आप थक जाओगे यार, इतना मैं बता दूंगा यार, क्योंकि हमने सीढ़ियाँ ली हैं हमें पता है थक जाओगे। भाई मैं चल रहा था ना तो आप देख सकते ना भाई ये पसीना थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का सा आ चुका है। सीढ़ियाँ चलोगे तो यार थोड़ा सा घुटनों पे जोर पड़ता है तो आप समझ ही सकते हो, बाकी ठीक है यार फिलहाल तो अच्छा ही मौसम है एंड मज़ा आ रहा है चलने में। जय माता दी। तो ये रहा यहाँ से पैदल आए हम यहाँ तक अभी तक। भाई देख रहे हो कैसा दिख रहा है यहाँ से कटरा, मतलब बहुत ही गजब नज़ारा भाई, बहुत ही गजब नज़ारा, मतलब इस पे ना एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता अगर यहाँ तक पहुँचे आप लोग तो। सर चेक पोस्ट वे टू अध कुआरी, यहाँ पे चेकिंग नहीं हुई, सिर्फ फॉर्मेलिटी हुई। ठीक है लोग यार घोड़ों पे आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहे हैं, बाईपास पोनी ट्रैक ओनली फॉर पोनीज। ठीक है आई थिंक यहाँ पे एटलीस्ट अब हमें घोड़े नहीं मिलेंगे क्योंकि साफ लग रहा है इधर। एंड ये रहा कटरा नीचे। तो भाई अब हम अधिकुआरी पहुंचने वाले हैं, तो वहां पहुंच के हम वहां का नज़ारा दिखाते हैं आपको, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये रहा अधिकुआरी, वहां से दिख रहा बहुत पास था पर यहां से अभी काफी दूर है यार, काफी दूर है, काफी चल रही है। तो भाई जैसे आप अधिकुआरी पहुंचने वाले होंगे ना उससे थोड़ा पहले ही आपको भोजनालय मिल जाएगा, तो भाई मुझे तो भूख लगी है तो मैं तो फिलहाल खाना खाने जा रहा हूँ। भाई ये रहे मेरे राजमा चावल, तो एज कम्पेयर टू बाहर की शॉप्स यहाँ के रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप ये जो बोर्ड है इसको स्क्रीनशॉट मार कर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे रेट हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा यार आप वहीं पे आके खाएं, अच्छे रेट पे खाना मिल जाएगा और मतलब खाना भी अच्छा ही है। तो भाई अब खाना खा के फिर से पैदल यात्रा शुरू। तो मैं दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पे लोग सोए हुए हैं आधे, मतलब ठीक है यहाँ पे रुकने का भी इंतज़ाम है, अगर आप चाहें तो कमरा भी कर सकते हैं यहाँ। यहाँ पे आप देख सकते हो और सुन भी सकते हो यार भाई कि हवा चलना तो शुरू हो गया यार, मौसम अभी भी ठंडा है पर बारिश नहीं लगी है, ये थोड़ा अच्छी बात है। भाई एक चीज बताऊं आपको, यहाँ पे आपको जगह जगह पे डिस्पेंसरी वगैरह मिल जाएगी, तो मतलब अगर आपको कोई बोलते हैं ना प्रॉब्लम भी आ रही होगी ना, मेडिकल नीड भी चाहिए होगी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी वो। तो भाई मौसम अभी भी सुहाना बना हुआ है, हवा चल रही है बट ठीक है यार, उम्मीद करते हैं बारिश ना लगे नहीं तो हालात खराब हो जाएगी। कितना खुश हो रहा है, हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। तो भाई थोड़ा चाय पीने का मन था तो चाय भी पी ली और यहाँ पे फोन भी चार्ज कर लिया हमने। मतलब पानी की पाइपों पे ना बैठे, कौन बैठते होंगे, कहाँ से आते हैं वो लोग जहाँ पे जो इन पे बैठते भी होंगे, सीरियसली कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये। बाकी यार मैं तो कंटिन्यू चल रहा हूँ यार, थोड़ा बहुत बीच में रेस्ट किया, मैक्सिमम टाइम मास्क मुंह पे रखा बिकॉज ठीक है ज़रूरी है, जहाँ पे थोड़े लोग कम हो गए तो मैंने मास्क निकाल दिया, बट मैं फिर से मास्क डाल दूंगा। तो जुड़े रहे यार व्लॉग में ठीक है, और अभी मैं चेक कर रहा हूँ भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे को,
क्या देख के कर रहे हो यार सब्सक्राइब। तो भाई कुछ लोगों ने यहाँ पे ये घर बनाया तो मैंने सोचा थोड़ा इसको वीडियो में ला लें। अभी मुझे नहीं पता ये सब क्यों करते हैं, तो भाई अगर आप लोगों को पता ना भाई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बाकी भाई ऊपर एक भैया होते हैं, उन्होंने तो बता दिया भाई रास्ते में रेस्ट नहीं करना, ऊपर बारिश लग रही है, तो हम तो कंटिन्यू चल रहे हैं यार, कंटिन्यू चल रहा हूँ मैं। एक दो जगह रेस्ट किया जहाँ पे खाना शाना खाया। तो भाई अभी जो मैंने आपको चीज दिखाई ना, मतलब बोलते हैं ना बराबर नाप नाप के, बस उन्होंने लेट के ही पूरा ऊपर तक जाना है। भाई अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना वो है, कुछ लोग घोड़े पे जा रहे हैं बट कुछ लोग ऐसे जा रहे हैं। अभी मुझे पूछोगे यार, मैं तो यही बोलूंगा यार, अगर तुम यहाँ पे आए हो तो पैदल तो चल ही सकते हो अगर कोई दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत हो तो कोई वो नहीं है, आप ले लो घोड़ा ले लो या चाहे जो मर्जी ले लो, बट अगर आप देवी के दर्शन करने आए हो तो वहाँ पे भी आप कंफर्ट ढूंढोगे तो क्या बनेगा यार। जय माता दी, बोले पहली बार लाइट दी है। जय माता दी, तो भाई ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मतलब हम वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं, रास्ते में एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया। तो ठीक है यार, मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस इस बार मिला, ठीक है यार, सही है, चलो शुगर है। तो भाई अब बारिश लगनी भी शुरू हो गई, फिलहाल थोड़ी थोड़ी लग रही है बट हाँ बारिश लगना शुरू हो गई। जिसको जिधर जगह वहाँ पे लेट जाओ भाई। अभी पिछली क्लिप में आप देख सकते हैं यार, कुछ लोग तो यहाँ पे एटीएम में भी सो रहे थे, मतलब सही है यार। तो बारिश भी लग रही है, आवाज सुन सकते हो भाई। भाई ठंड के हिसाब से प्लान किया था बट बारिश के हिसाब से प्लान नहीं किया था, तो अगर बारिश लगेगी तो हम गीले होंगे। ठंड का जुगाड़ है, ठंड नहीं लगेगी बट गीले का कोई जुगाड़ नहीं है, मतलब बीमार, आवाज सुन नहीं सकते हो। भाई आप सुन ही सकते हो यार भाई, बारिश की आवाज़, मतलब बोलते ना मूसलाधार बारिश भाई, वैसा कुछ लग रहा है। तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, गीले नहीं होने चाहिए, बाकी सब ठीक है। भाई लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब क्या हो रहा होगा, मतलब भाई डर लगता है यार, मतलब लाइट आ रही है लाइट जा रही है। तो भाई कमेंट बॉक्स में ना जय माता दी तो भाई बनता है यार, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता आपने पहले कभी देखा होगा। कुछ लोग थक हार के भी बैठ चुके हैं, बारिश भी लग रही है, बादल भी गरज रहे हैं। भाई 8 बजे हम पहुंचे थे नीचे एंड तब से ऊपर आया हूँ यार, अभी 12:30 होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक 2 किलोमीटर बचा होगा अभी भवन ऊपर, तो चल ही रहे हैं यार भाई तब से, ठीक है। बाकी वही है, थोड़ा मौसम देख ही सकते हैं, हवा में बाल उड़ रहे हैं, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, पर ठीक है यार, श्रद्धा से बढ़ते जाओ सब कुछ ठीक है। तो ये रहा नवरात्रे का सामान, और ये एंजॉय करते हुए पार्टी हो रही है। एक बज चुके हैं भाई एंड अब जाके कहीं हमें भवन दिखा, तो अभी तो चल ही रहे हैं यार भाई, अभी भी लगेगा आई थिंक 5-10 मिनट 10-15 मिनट और हैं, बट ठीक है यार, लास्ट में पहुंच गए। बारिश लगी थी पर ठीक है यार, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आई हमें किसी चीज़ से भी, तो चलो आगे देखते हैं यार। बाकी भवन में फ़ोन वगैरह तो लेने नहीं देते, तो ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीछे गए आपको दिखा देंगे। या अमीर लोगों वाले रास्ते जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह जाते हैं यहाँ से। तो ये वाली चीज़ है पता क्या है, स्प्रिंग लगाई हुई है, खुला आसमान भी दिखा था पहाड़ों के बीच में से,
भाई ये तो बहुत सही लग रहा है, राम राम लिखा हुआ है, वैष्णो देवी का नाम लेते जाओ चलते जाओ, बारिश भी दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है थकावट है बट ठीक है यार, अंदर जाके सारी थकावट निकल जाएगी और ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे सो भी रहे हैं, बारिश भी हो रही है, कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं, जो वापस जा रहे हैं तो सुबह आए होंगे। तो ये रहा भवन, बैटरी कार्स ताकि प्रदूषण ना फैले। तो भाई जैसे आप भवन पहुंचने वाले होंगे वैसे ही आपको ये शॉप मिल जाएगी। तो श्राइन बोर्ड की तरफ से है ये शॉप, तो रेट्स जेन्युइन ही होंगे इनके। यहाँ से प्रसाद लेते हैं, चाबी चाबी अभी हम प्रसाद ले चुके हैं, भवन पहुंच चुके हैं, बट अभी बारिश लगी हुई है तो अभी साइड पर बैठे हुए हैं यार, ये देख सकते हो आसरा लेके। तो ठीक है यार, कितने बजे पहुंचे? 1:30 बजे पहुंचे हम, ठीक है, मतलब हमने 8 बजे में वहां पे पहुंचा था नीचे, और वहां से फिर पैदल शुरू किया रुकते वगैरह ये वो, 1:30 बजे हम ऊपर पहुँचे हैं, ठीक है। बाकी काफ़ी सही लगा यार आते हुए, अभी वापस भी जाना है फिलहाल, टांगे जो आप देने के मूड में हैं, पर कोई ना देख लेते हैं क्या बनता है। कि भाई जो बैटरी वाली गाड़ियां थी ना वही, ये रहे उसके चार्जेस पर पर्सन 236 रुपये, ठीक है भाई। अगर आप आना चाहो तो इसमें भी आ सकते हो, बैटरी वाली कारें हैं जो, अभी तो फिलहाल ये काउंटर भी बंद है। तो अभी चलो, बारिश रुक नहीं रही है, पर यार देख सकते हो बारिश रुक नहीं रही और हम यहाँ पे रुके हुए हैं। तो गीले होते होते पहुँच गए, पर लोग तो फिलहाल सोए हुए हैं साइड पे, जिसको जहाँ जगह मिली वो सो गया है। भाई एक चीज़ ना मैंने नई नोटिस की है, साइड पे आप देख रहे होंगे ना डब्बा जैसा, मतलब ये इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया कि आप यहाँ पे मतलब अपना वो रख सकते हो, मींस बॉटल्स वगैरह वेस्ट वगैरह इसमें डाल सकते हो। तो भाई इसका इस्तेमाल करो, ठीक है। तो मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी, मतलब सीरियसली यार अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आई होप ऐसे और अच्छे इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिलेंगे। भाई मैं तो खुश हो गया ये चीज़ देख के, सीरियसली आप बताना आपको ये कैसा लगा। तो ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं एंड हम अभी दर्शन करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक फ्रेंड है वो गेट नंबर 5 पे है, तो वहाँ हम फिलहाल उसके पास जा रहे हैं, तो सामान वगैरह हम उसी के पास रखेंगे। तो भाई अभी टाइम हो गए हैं 2:16 और हम दर्शन करके निकल चुके हैं यहाँ से। मैं दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ से पता चल रहा है कि नहीं, बट बाकी मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी।